अभी पूरे गुजरात में जो कोरोना वायरस को लेकर जो लॉकडाउन चल रहा है उसको लेकर हम अभी जो साबरकांठा जिले के जो वडाली तहसील के रामपुरा कंपा में उपस्थित है। जो आप देख सकते हैं कि गांव में जो कोरोना वायरस ना आए इसलिए सरपंच ने अभी आप देख सकते हैं यहां पे एक जाहिर बोर्ड किया है कि जो नवरामपुरा कंपा में प्रवेश बंद है। लोग यहाँ पे इतना जो कटिबंध से वो खुद यह भक्कम है कि बाहर से कोरोना वायरस गांव में ना आए इसीलिए ये गांव में बाहर के लोगों की पाबंदी लगा दी गई है। आप देख सकते हैं जो ये रामपुरा कंपा है जो लॉकडाउन का जो पूरे पूरा यही माहौल दिखाई देता है। अभी गुजरात में जो कोरोना वायरस को लेकर बहुत चल रहा है अभी तो हर हर गांव में कभी शहरों में जो हमारी सरकार ने लॉकडाउन कर दिया है जो यही हमको एक गांव में जानने के लिए मिला है जो लॉकडाउन है तो एक जो रामपुरा कंपा है वहीं के हम जो मुख्य जो प्रधान है उससे बात करेंगे कि जो आपके गांव में एक नोटिस बोर्ड चिपका हुआ है तो उसका वजह क्या है। कोरोना वायरस को देखते हुए माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब ने सरकार द्वारा जाहिर किया कि पूरे देश में लॉकडाउन किया जा रहा है, तो उसी दिन से अपने गांव को, जो अपने गांव के अंदर दुकान है उसको भी लॉकडाउन किया हुआ है और उसके डिलीवरी होम डिलीवरी हो रही है। और पहले जो दुकान में जो लोग आ रहे थे उसकी वजह से बाहरी लोग, जो आसपास के गांव वाले लोग हैं, वो दुकान में खरीदारी करने के लिए, यहाँ आटा चक्की है उसमें आटा पिसाने के लिए आते, वो लोग ना आए और अपने ही गांव में सुरक्षित रहे। वो हिसाब से हमने अपने गांव को सुरक्षित रखने के लिए और वो लोग को भी सुरक्षित रखने के लिए गांव के मेन गेट पे पूरा बाहर से आने वाले हर लोग को आने जाने के लिए लॉकडाउन है, ऐसा कह के आने का मनाई फरमा दिया है। तो ये थे गांव के मुख्य प्रधान जयंती भाई पटेल थे। उसने बताया कि जो बाहर से लोगों के आने जाने की जो संख्या बढ़ती है उसी कारण गांव में जो वो कोरोना वायरस है न आए इसीलिए उसने गांव के जो गेट पे है एक नोटिस बोर्ड लगाया है। किरण खांड, HBN न्यूज, साबरकांठा।